हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। और आज हम लोग जा रहे हैं पतंजलि योगपीठ और माँ गंगा हरिद्वार आरती। आज हम सभी लोग हरिद्वार के लिए निकले हैं विद फैमिली। और इंट्रोडक्शन है, ये मेरी बड़ी बेटी नेत्रा, ये से छोटी दृष्टि, और वो सबसे छोटी तनीषा जो कि थोड़ी बिजी है। ये पापा, ये मम्मी, हम सभी लोग अभी हरिद्वार जा रहे हैं। और सुबह हम लोग निकले 6 बजे और इस समय हम लोग करीब करीब 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। और अभी हम थोड़ा रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हरिद्वार से पहले रुड़की में बाबा रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ। वहाँ हमारी मदर का कुछ ट्रीटमेंट का इशू है, वहाँ इनको ओपीडी में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारा, वहाँ इनको दिखा के उसके बाद हम लोग हरिद्वार जाएंगे। और 2-3 दिनों का हमारा टूर है, तो जो भी हम लोग यहाँ घूमेंगे, जो भी हम फिरेंगे यहाँ पे, घूमेंगे फिरेंगे, जो भी हम लोग इन्जॉय करेंगे, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगे ये ज़रूर बताइएगा। ये मेरी छोटी बेटी, इससे मिली, ये भी ब्लॉगिंग करती है, पकड़ो, बोलो कुछ, क्या बोलूं मैं, बोलो कुछ। हाय, हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी, ये देखिए, ये भी हमारा सफर में आया था हरिद्वार के। इनकी सेवा के लिए ये इनके सेवक इनके सेवा में हाथ दिया। ठीक है, तो अब हम लोग सभी लोग आगे हमारा सफर जारी कर रहे हैं। हम लोग मानेसर से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे उस पर हम लोग चढ़ चुके हैं, और यहाँ से अब ये हमें सीधा रुड़की के लिए हम लोग उतरेंगे उसमें। और बहुत शानदार ये रोड है। आज सेकेंड टाइम हम लोग इसके ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम जब हम आज से 3 साल पहले बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पे गए थे, तब हम लोग इस एक्सप्रेस वे पर आए थे। और यदि आपको हरिद्वार जाना है तो आपको ये एक्सप्रेस ही पकड़ना चाहिए, जयपुर से यदि आप लोग आ रहे हैं तो। बहुत बढ़िया रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है। गाड़ी बोल रही, मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लग गई, तो इसकी भूख शांत कर लेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब वेटिंग में है खाने की, सभी लोग वेटिंग में है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग का खाना रेडी होके आ चुका था, तो सुबह से हम लोग घर से निकले हुए थे, तो फौरन हम लोगों ने हमारा दिन का जो खाना था वो फिनिश किया और आगे की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, खाना खा के हम लोग हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़े, और सुबह 6 बजे से हम लोग निकले हुए थे, तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम दिन को 2 बजे रुड़की में बाबा रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ पहुँच गए। बहुत बड़ा सा गेट, उसके अंदर एंट्री लेके सामने ही पतंजलि योगपीठ की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत खूबसूरत गार्डन थे, बहुत ही अच्छी पार्किंग की व्यवस्था थी, तो हम लोगों ने भी हमारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। दोस्तों, पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग शिक्षा का संस्थान है। इसकी स्थापना स्वामी बाबा रामदेव जी द्वारा योग का अधिकाधिक प्रचार करने एवं इसे सर्वसुलभ आम जनता के लिए बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह हरिद्वार में स्थित है और आचार्य बालकृष्ण जी इसके महासचिव हैं। हम पतंजलि के अंदर हैं अभी, हरिद्वार के पास। पीछे आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग, तो पतंजलि की योगपीठ का फेस है, और ये सामने यहाँ
ये माल है इनका, जहाँ सामान वगैरह मिलता है। बच्चों के साथ पानी पूरी खानी है इनको, फिलहाल पानी पूरी खिलाओ। ये देखिए बहुत बढ़िया अन्नपूर्णा भवन। दोस्तों, साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई थी और वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन करती है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसकी बहुत सारी इकाइयां बनाने की योजना है। भारतीय बाज़ार में आज पतंजलि आयुर्वेद की मजबूत पकड़ है, जो कि बाज़ार में मौजूद विभिन्न विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। बाबा रामदेव जी के पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, देश के अलावा विदेशों में भी योग को ऐसे ही नहीं अपनाया गया, कई लाइलाज बीमारियों का इलाज भी योग और आयुर्वेद से संभव हो सका है। एलोपैथी ने जहां अपने हाथ खड़े कर दिए, वहां योग कारगर साबित हुआ है। पतंजलि 3000 बेड का एक विशाल अस्पताल भी बना रही है। पतंजलि योग पीठ से हरिद्वार रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर है। आप लोग हरिद्वार जाके और वहाँ से बस, ऑटो या टैक्सी से भी पतंजलि योगपीठ पहुँच सकते हैं। पतंजलि योगपीठ के अंदर 2 OPD काउंटर होते हैं, जहाँ पे आपको अब एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करके आप अपनी डिटेल वहाँ सबमिट करते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ से कंप्यूटर से एक पर्ची निकाल के दी जाती है और दोनों OPD में करीब 35 चैम्बर्स बने होते हैं डॉक्टरों के। तो जिस भी रूम में आपका नंबर आता है, जिस डॉक्टर का आपका ट्रीटमेंट होता है, उस पर्ची पे उस रूम का नंबर और पेशेंट का वेटिंग नंबर आपको लिख के दे दिया जाता है। उसके बाद में आपको वेटिंग करना होता है और वन बाय वन आप लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर और अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ये पंचकर्म अनुसंधान केंद्र पतंजलि योगपीठ का, और हम लोग अभी हमारी मदर को यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा था, हम डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका, उसके बाद हम लोग अभी रिलैक्स हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ा पतंजलि योग पीठ का एक वर्चुअल टूर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग घूम के देख रहे हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार से इलाज होता है, किस किस प्रकार से क्या क्या डिपार्टमेंट है। इसके बाद हम सभी लोग पतंजलि योगपीठ में स्थित पतंजलि की कैंटीन में पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत कैंटीन बनी थी, जहां हम लोगों ने भी कुछ फूड एंजॉय किया। पतंजलि योगपीठ की कैंटीन बहुत ही साफ सुथरी थी और यहां की जो रेट लिस्ट थी वो भी बहुत ही रीजनेबल थी। आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के यहां फूड एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, डिनर ले सकते हैं या नाश्ता भी ले सकते हैं। हमें यहाँ आके खाने का एक अलग ही स्वाद मिला। थोड़ी देर कैंटीन में बैठने के बाद हम लोग पतंजलि के बाहर जो गार्डन बना हुआ था, वहाँ हम लोग निकले। बच्चों को गार्डन में बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति जो हमें देखने को मिली, हमारी चुनिया, उन वनस्पतियाँ हमें यहाँ देखने को मिली पतंजलि योगपीठ को एंजॉय करते हुए। बहुत खूबसूरत इसका पूरा जो कैंपस था, बहुत खूबसूरत था। इसके बाद हम लोगों ने पतंजलि योगपीठ के कैंपस में थोड़ी बहुत देर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। बहुत ही खूबसूरत फोटो है यहाँ पे हम लोग। अब सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पतंजलि योगपीठ में स्थित मेगा स्टोर है। ये जैसे हमारे शहरों में बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उसी प्रकार से ये मॉल है। इसी के अंदर पतंजलि योगपीठ की जो दवाइयाँ है उनके काउंटर भी इसी के अंदर है, और पतंजलि योगपीठ के जो प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के या तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मॉल है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हो रही है। बच्चों के लिए किताबें हैं, दवाइयां हैं सभी प्रकार की, और अपने कॉस्मेटिक आइटम्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉल है ये। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी वो हम लोगों ने यहाँ से परचेस करी, और घर के कुछ ज़रूरी सामान भी हम लोगों ने यहाँ से परचेस किए, और फिर हम लोग यहाँ से
हमारी जो आगे का सफ़र था हरिद्वार के लिए, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल लिए। यहाँ आप देख सकते हैं काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ आप अपनी डॉक्टर की पर्ची दे दीजिए, इसके बाद आपकी दवाइयाँ निकलेगी। और साइड में काउंटर है जहाँ से आपको दवाइयों के बारे में सब कुछ समझा दिया जाएगा कि दवाइयाँ किस प्रकार से लेनी है। इस प्रकार से बुक लाइब्रेरी भी यहाँ पे है जिसके अंदर योगा संबंधित बुक्स वगैरह है, तो आप चाहे तो यहाँ से योगा से संबंधित बुक्स भी ले सकते हैं। जो डैडी है वो दवाई ले रहे हैं अभी, डैडी और पापा जी। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ देर यहाँ समय व्यतीत करने के बाद हम लोग पार्किंग की तरफ बढ़ चले जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी, क्योंकि अब हमें यहाँ से आगे जाना था। कुल मिला के बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, हमें यहाँ बहुत अच्छा एहसास रहा, और बहुत ही खुला हुआ एरिया में यह योगपीठ बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। तो जब भी आप हरिद्वार आए तो एक दिन के लिए आप समय निकाल के एक बार यहाँ का टूर जरूर करें। इसके बाद हम लोग हमारी नेक्स्ट मंजिल जो कि हमारे एक राजीव भैया है उनके घर की तरफ बढ़ चले। वो हमारे रिलेटिव भी है और आज उनसे मिलने का हमें मौका मिला, तो हम लोग उनके घर की तरफ जा रहे हैं और कुछ समय बाद में वो हमें पंखल के चौराहे पर मिलेंगे जहाँ से उनके घर के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ समय बाद हम लोग हमारे राजीव भैया के घर पे पहुँच गए और उनसे मिलके हमें बहुत आनंद आया। तो हमारे पिताजी और राजीव भैया वो तो अपनी पुरानी बातों को लेके बैठ गए और काफ़ी पुरानी चर्चाएं उन दोनों के बीच में चली, और हमें इनके घर पे आके इनके लड़के और भाभी जी से मिलके बहुत आनंद आया। तो बिलोंग मैं भी राजस्थान को करता हूँ, बाड़ी धौलपुर से हूँ और यहाँ 25 साल से यहाँ पर डॉक्टर हूँ, और बड़े दिनों बाद मुझे दर्शन हुए आज उगर जी के, जो मेरे मामा जी होते हैं। बट ऐसे लग रहा है ऐसे कि मैं अभी जब से 25 साल पहले मिला था ऐसे ही अब मिल रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा मुझको, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे, बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है इनसे मिल करके। आज मेरे घर में पधारे हैं तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता क्या हो सकती है, पूरा परिवार मेरे यहाँ आया हुआ है। काफ़ी देर गपशप और पुरानी यादों को लेके बातचीत चलती रही, और मुझे भी ये सब सुन के अच्छा लगा कि पापा की और राजीव भैया की 25 साल पुरानी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इन दोनों ने काफ़ी लंबा समय एक साथ गुजारा था जयपुर में, जब राजीव भैया रहते थे, जब ये पढ़ाई करते थे, ये उस दौर की बातें कर रहे थे, तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो कब समय हमारा बीतता गया हमें मालूम ही नहीं पड़ा। और इसके बाद में कुछ समय हम लोग यहाँ रुकने के बाद जहाँ हम लोग का स्टे था वहाँ के लिए हम लोग चले गए। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, करीब 500 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला चुके थे और घर के सभी लोग थक चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हम लोग का स्टे था, तो बच्चे, मम्मी और मेरी वाइफ, इन सब लोगों ने रेस्ट करना उचित समझा, लेकिन पापा और मैं, हम दोनों वहाँ से कनखल से ई रिक्शा लेकर और गंगा मैया की आरती में शामिल होने के लिए और गंगा मैया में स्नान करने के लिए निकल पड़े। तो हमारी अगला जो डेस्टिनेशन था वो था गंगा मैया की आरती देखना और गंगा मैया में स्नान करना। दोस्तों 4 जून की तारीख थी और आज शनिवार था, जिसकी वजह से वीकेंड था, और वीकेंड की वजह होने की वजह से हरिद्वार में काफ़ी रश होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो ई रिक्शा लिया था वो ई रिक्शा बहुत पहले ही रुक गया और हमें पैदल पैदल ही आगे जाना पड़ा, क्योंकि वीकेंड की वजह से यहाँ बहुत ज़बरदस्त रश हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि आज ज़बरदस्त पब्लिक आ चुकी थी और शाम का समय था, गंगा आरती में शामिल होने
पैड़ी पे जाके आप गंगा आरती का नज़ारा देखें और गंगा आरती में शामिल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरिद्वार में गंगा आरती एक धार्मिक संस्कार है जो कि हरिद्वार की हरगी पैड़ी पर दिन में दो बार होता है। इसमें शामिल होने के लिए पूरे साल देशी और विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ रहती है। गंगा आरती का समय सूर्य के उदय होने एवं सूर्य के अस्त होने के आधार पर तय होता है, यानी कि हरि की पौड़ी। भारत के उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले आ रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी वह स्थान हर की पौड़ी था। तो यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हुए हर श्रद्धालुओं की सबसे प्रबल इच्छा होती है क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। यह माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को तोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पदचिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं कि यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर गुजरती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं, उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और जाजक संस्कारों में संरक्त होते हैं। हरिद्वार में स्नान करने के कुछ विशेष दिन भी होते हैं जैसे मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी एवं महाशिवरात्रि। ये कुछ विशेष दिन होते हैं जिस दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान करने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो हजारों की तादाद में लोग माँ गंगा की आरती में शामिल होने के लिए बेताब है और जैसे ही आरती चालू होती है तो सभी लोग आरती के साथ साथ में माँ गंगा की आरती गाते हैं। एक अलग ही इसका अनुभव, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही अनुभूति इस चीज़ की होती है। तो इस चीज़ की आनंद और अनुभूति लेने के लिए आपको खुद को एक बार गंगा तट पर नदी हरिद्वार में नदी किनारे गंगा जी की आरती में शामिल हो तब आप इस आनंद इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जय गंगा मैया की। गंगा आरती ख़त्म हुए बाद जो हमारा अगला उद्देश्य था वह था माँ गंगा
में स्नान करना और डुबकी लगाना, तो वो हम दोनों ने किया और बहुत ही दर्द था, बहुत ही जो जैसे इसको डुबकी लगाई उस प्रकार से सारी थकान से पहले सारी थकान से हमारी मिट गई और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले। हमारा पुत्र मुझे हरिद्वार हर की पैड़ी के ऊपर गंगा स्नान करा के ले जा रहा है। पूरा परिवार तो मेरा होटल के कमरे में है, बच्चे वगैरह, क्योंकि वो बहुत थक गए थे इसलिए नहीं आ पाए। मैं और मुकेश दोनों ही आज गंगा मैया के चरणों के अंदर यहाँ स्नान किया, बड़ा आनंद आया। और ये देखिए दृश्य पूरे गंगा मैया के शाम के आरती। स्नान करके वापस जो हमारा आज का स्टे था उसकी तरफ हम आगे बढ़ चले, लेकिन नदी किनारे किनारे साथ चलते चलते फुटपाथ के ऊपर जो ये रंग बिरंगी दुकानें लगी हुई थी, इनको देख के किसी का भी जी मचल सकता है कि मैं ये सामान ले लूँ, ये सामान ले लूँ, क्योंकि बहुत ही रंग बिरंगी वस्तुएँ यहाँ बिकती है जो शायद हमें ढूँढने से भी और कहीं ना मिले। तो बहुत ही गजब मार्केट है ये। आप कभी भी हरिद्वार नदी के साथ साथ चलेंगे हर की पैड़ी के साथ में, तो आपको रंग बिरंगी सामानों की दुकानें, बच्चों से संबंधित दुकानें, सजावट से संबंधित दुकानें, पूजा से संबंधित दुकानें, सभी प्रकार की वस्तुएं या दुकानें हैं जिनको देख के बहुत आनंद आता है। इस प्रकार बाज़ार को देखते देखते हम लोग हमारा जो नाइट स्टे का रूम था वहाँ पहुँच गए, क्योंकि अगले दिन हम लोगों का टूर था यहाँ हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर से रुद्रप्रयाग में।